जय भवानी। आप सभी का हमारी YouTube चैनल एग्जाम जंक्शन तक स्टडी पे बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबर में आज चर्चा की जाएगी, ASO की नोटिस जल्द देखने को मिल सकती है। जूनियर असिस्टेंट 5500 की परीक्षा कब तक होगी इसके बारे में भी अपडेट जो है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ विकास प्राधिकरण से बंपर भर्ती 25 साल बाद देखने और ELT ग्रेड विज्ञप्ति को लेकर के उम्मीद से चींटी की चाल से चल रही है विज्ञप्ति की प्रोसेस कब तक आ सकती है इसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, वो भी अपडेट से मुखातिब होते हैं, और लाइक करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इंपॉर्टेंट उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले आपको मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए। आज के समाचार पत्रों की सबसे बड़ी खबर है कि विकास प्राधिकरणों में 25 साल के बाद बंपर भर्ती। हर प्राधिकरण में 1 से 2500 पद सृजित होंगे, रिक्त 60 से 70% पदों पर भी भर्ती होगी। आपको पहले भी बताया गया था कि इस प्रकार की खबरें जो है मीडिया जगत में ही सिर्फ देखने को आपको मिलती रहेंगी। जैसे पिछली विज्ञप्ति में नोटिफिकेशन जो पेपरों में देखने को मिल रहा था कि परिचालकों के 10,000 पदों पर विज्ञापन जल्द ही देखने को मिलेगा, ऐसे ही 25 साल बाद बंपर भर्ती की याद आ गई। अब मीडिया में खबरें 2500 पद सृजित होंगे। इस प्रकार की खबरें सिर्फ सरकार जो है एक प्रकार से प्रतियोगी छात्रों को सांत्वना के तौर पे जो है मीडिया में ये खबरें आ जाती है, लेकिन इसको लेकर के तेजी से कार्य नहीं हो रहे हैं विज्ञप्ति को लेकर के, क्योंकि ये विज्ञप्ति जारी करनी है आयोग को और आयोग जो पेंडिंग भर्तियां जो है अभी वही नहीं विज्ञप्ति जारी हुई और रिजल्ट वगैरह अभी तक नहीं जारी, तो फिर ये विज्ञप्ति कब तक आएगी इसको उम्मीद हो सकती है। खैर खबरों को पूरा देख लेते हैं। करीब 25 वर्ष बाद प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में नए पद सृजित होने जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व इंजीनियर, नगर नियोजक, लेखाधिकारियों समेत प्रदेश के हर प्राधिकरण में 1 से 2500 तक नए पद सृजित होंगे। इसके अलावा रिक्त 60 से 70% पदों पर भी भर्ती होगी। नए पदों को सृजित करने के लिए सचिव आयोग स्वयं शहरी नियोजन की अध्यक्षता में 9 बड़े अफसरों की कमेटी बना दी गई। समीक्षा होगी, उसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया कब तक आएगी इसमें अभी बहुत तो वक्त लगेगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा फैसला, अग्नि ब्यूरो को जो है पुलिस और PSC में देंगे आरक्षण। योगी, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अग्नि ब्यूरो को यूपी पुलिस और PSC बल में आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष अग्निवीर के मुद्दे पर युवाओं को गुमराह कर रहा है। इस प्रकार के लेकर के जो अब जितने भी बीजेपी शासित प्रदेश है वहाँ पर अग्निवीरों को लेकर कि ये घोषणा की, जैसे कि हरियाणा में किया गया, अब उत्तर प्रदेश में भी किया गया कि इनको जो है भर्ती परीक्षा मध्य प्रदेश में भी कर दिया गया कि 10% जो है आरक्षण दिया जाएगा। वहीं अगली खबर है जो कि एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपको कल ही बता दिया गया, SSC स्टेनोग्राफर के 2006 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। 17 अगस्त तक लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन, 27 और 28 अगस्त को कर सकेंगे संशोधन। यहाँ पे केंद्र सरकार के विभागों में स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D के 2006 पदों पर भर्ती होगी, इसका नोटिस शुक्रवार को जो है जारी कर दिया गया। इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गया। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थी 17 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की फीस जो होगी वो 100 रुपये 18 अगस्त तक जमा होगी। इसी के साथ साथ आपको बता दें UPSSC जो जूनियर असिस्टेंट 5500 पदों की परीक्षा के बारे में आपके पास, ये परीक्षा जो है मिड अक्टूबर के बाद किसी भी वक्त हो सकती है। अभी फिलहाल जो है अक्टूबर के पहले कोई भी चांसेस नहीं है परीक्षा होने को लेकर के, UPSSC से लेटेस्ट अपडेट यही है। बाकी इसके बाद जो है इसके पहले जो परीक्षा होगी वो BPO की परीक्षा होगी जो कि सितंबर में संभावित है परीक्षा। UPSSC की कार्यप्रणाली से जो है अभी तक की अपडेट में यही है कि परीक्षाएँ सितंबर से शुरू होंगी, जिसमें सबसे पहले परीक्षा BPO की होगी, उसके बाद जो है अक्टूबर मिड के बाद जो जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा होने की संभावना है। लेकिन UPSSC की कार्यप्रणाली जो है देख रहे हैं जिस तरह से इसमें थोड़ा सा विलंब भी देखने को मिल सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो नकल करते या कराते हुए पकड़े गए तो देना होगा 1 करोड़ रुपए जुर्माना। 1 करोड़ रुपए जुर्माना इस प्रकार की प्रक्रिया में देने के लिए बहुत ही अच्छा कदम है, लेकिन आयोग अगर किसी भर्ती प्रक्रिया को जो है पेंडिंग में रखे 1 साल बिता दे, अध्याचन पड़े 2 साल बिता दे, तो उसके लिए पनिशमेंट क्या है? ये आज तक प्रावधान जो है देश में नहीं किया गया कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी आ सके। ये सब जो है अपनी तरह से काम करने के लिए आयोग स्वतंत्र हैं, जिसमें प्रतियोगी छात्रों के नुकसान हो या ना हो उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। एक अच्छी पहल ये नकल करते हुए, ये पहल बहुत पहले ही की जानी चाहिए थी। लोक सेवा आयोग ने कल होने वाली स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा से लागू की है ये व्यवस्था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षा में नकल करने या कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्णय लिया है। ऐसा करने वालों को 1 करोड़ रुपये के अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सज़ा भी हो सकती है। ये सब प्रक्रिया तभी तक हो सकती है जब तक कि सामने वही नहीं आएगा जो मेन सरगना रहेगा, तो फिर ये कब कहने को है, क्योंकि जो मेन होता बिना उसकी ये सारी चीज़ें संभव नहीं है। लेकिन उस पर किसी प्रकार का जो है नकेल कसने की जो है जब तक व्यवस्था नहीं होगी तब तक शायद इस प्रक्रिया में सुधार होना संभव कम ही दिख रहा है। वैसे अच्छी कोशिश की गई है, इस प्रकार की कोशिश बहुत पहले ही की जानी चाहिए थी। पेपर लीक या नकल की बढ़ती जो है इस प्रकार की घटनाओं से चिंतित सरकार एवं लोक सेवा आयोग ने कई कठोर कदम उठाए हैं। सरकार की ओर से इस बाबत गाइडलाइन जारी की गई कि इसके अलावा सरकार की ओर से सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का निवारण के लिए अध्यादेश भी जो है 2024 1 जुलाई को लागू कर दिया गया। इसके तहत जो परीक्षा में जो है अनुचित साधनों का प्रयोग करने को लेकर के या किसी प्रकार की नकल की सामग्री को लेकर के भी जो है अर्थदंड लगाया जा सकता है, और इसमें भी कारावास की व्यवस्था की गई है।
तो इस प्रकार से जो है कठिन निर्णय जो है लिया जाए आयोगों के ऊपर कि एक साल के अंदर भर्ती प्रक्रिया वो कैसे पूरी करें, ये शायद संभव ही नहीं कि कभी सरकार इस पर भी विचार करे और प्रतियोगी छात्रों को लेकर के एक बड़ा डिसीजन होगा, लेकिन ऐसी संभावना बहुत ही कम दिखती है क्योंकि टाइम टेकन भर्ती प्रक्रिया में खींच खींच के ले जाना भर्ती प्रक्रिया में ये वर्षों की आदत है। ये किसी भी स्टेट की, कहीं उत्तर प्रदेश की नहीं, हर जगह की है। चुनाव के मौसम में ही जो रंग बदल देता है ये परीक्षाओं का कार्यक्रम, परिणामों का कार्यक्रम, उसके बाद जो है सब चीटी की चाल चलते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ही बता दें, ELT ग्रेड GIC BU विज्ञप्ति हर हाल में जो है जुलाई में आ जानी चाहिए थी, लेकिन जुलाई भी बीतने को है, अभी तक आयोग की सुनगुन में कोई भी नहीं है। किसी एक पत्र पे एक आदेश जारी करने के लिए कम से कम, आपको पहले भी बताया गया था कि कम से कम 15-20 दिन का टाइम लग जाएगा, और ELT ग्रेड GIC और BU विज्ञप्ति को लेकर के सिर्फ पेपरों में ही देखने को मिला। चीटी की चाल से जो ये विज्ञप्ति प्रोसेस चल रही है, यानी कि प्रतियोगी छात्रों को जो उम्मीद थी कि जून जुलाई तक विज्ञापन जारी हो जाएगा, वो देखने को नहीं मिला है। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा से ये विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा तो सितंबर लास्ट तक, नहीं तो ये विज्ञापन अक्टूबर में ही जारी हो सकता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, क्योंकि ये भी अधियाचन तो बहुत पहले आ चुका था लेकिन विज्ञप्ति को लेकर के कोई ना कोई एक लीक निकाल के टाइम पास करने की जो प्रक्रिया है वो पुरानी है, इसीलिए विज्ञप्ति में भी लेट लतीफी देखने को मिल सकती है। ESO के संदर्भ में जो नोटिस के बारे में आप लोगों के प्रश्न, इसकी नोटिस जो देखने को मिलेगी जो है अगस्त के 10 तारीख तक एटलीस्ट ये नोटिस जारी हो जानी चाहिए UPSC से प्रोविजनल वालों को लेकर के। बाकी के ESO की प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे चल रही है और धीरे धीरे प्रोसेस में है, और ये अगस्त तक कम्प्लीट होने की जानकारी मिल रही है कि ये भर्ती कम्प्लीट है, उसके बाद नई विज्ञप्ति पर काम जो है वो शुरू हो जाएगा। कुछ अधियाचन उसके भी प्राप्त हो गए हैं ESO की नई विज्ञप्ति को लेकर के, तो ये लेटेस्ट अपडेट है ESO की भर्ती को लेकर के। और वहीं कंबाइंड टेक रिजल्ट के बारे में आप लोगों को जो प्रश्न, कंबाइंड टेक का रिजल्ट जो देखने को का वो मिड अक्टूबर तक जो है ये परिणाम देखने को मिल सकता है UPSC से। अभी जूनियर इंजीनियर का परिणाम जो है वो आज संभवतः, आज नहीं तो ट्यूसडे तक ये परिणाम जो जारी हो जाएगा, आज एक नोटिस जो है UPSC से देखने को मिल सकती है, उसका इंतजार करिए। उस नोटिस के बारे में भी अपडेट आपको एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर करते समाप्त, मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल।